नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं स्टेप 3 स्टेप में केक बना के दिखाऊंगा। ये 3.5 किलो का केक है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको भी पूरा वीडियो देखने को मिले और पूरा फुल डिज़ाइन देख सकते हैं आप लोग। जितना भी मैंने इसमें जितना भी डेकोरेट किया है सारा कुछ आप लोग देख के और खुद कर सकते हैं। स्टेप टू स्टेप मैं बताता रहूँगा आप लोगों को, आप लोग जरूर देखें वीडियो को। तो दोस्तों, मैं नीचे का जो सबसे नीचे का फ्लोर होता है यानी कि 2 kg का केक है, ये मैं पहले कोटिंग कर रहा हूँ, कवरिंग कर दिया है मैंने क्रीम से, जैतून क्रीम और अंदर चॉकलेट स्पंज और चॉकलेट ही हुआ है अंदर, और ऊपर उसे वनीला चाहिए था कस्टमर को, और अंदर मैंने चॉकलेट चॉको चिप चॉकलेट और ये ट्रफल और चॉकलेट स्पंज और वनीला बीपिंग क्रीम यूज़ की है। और ये देखिए दोस्तों, ऊपर से मैं दूसरा केक दूसरा स्टेप मैं सेकेंड स्टेप केक को कवरिंग कर रहा हूँ वनीला क्रीम से। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप लोग पूरा वीडियो देख सकें, और वीडियो में जितना भी केक में डिज़ाइन बनाया है मैंने तो आप लोगों को वीडियो के थ्रू देखने को मिलेगा। यहाँ से मैं दूसरा वाला स्टेप मैं कवरिंग कर रहा हूँ दोस्तों, साइड की क्रीम अच्छे से डेकोरेट कर दिया, और ऊपर अब ये थोड़ा सा अंदर बराबर कर देंगे क्रीम, और इसको स्टैंड को थोड़ा सा घुमा के चाकू से कट कर दिया हल्का सा, और अब कार्ड के थ्रू साइड का जो होता है ये कट कर दिया था साइड से, कार्ड के थ्रू बराबर करेंगे, कार्ड से शाइनिंग अच्छी आती है दोस्तों। ये दूसरा वाला हो गया, मैंने कर लिया है कवरिंग, और ये ऊपर का तो तीसरा फ्लोर है ये कवरिंग कर रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए, वैसे ही सेम केक है तीनों, अंदर सारा कुछ वही सेम यूज है, बट बाहर से थोड़ा सा लुक इसका हल्का हल्का चेंज होता रहेगा तीनों केकों का। और ये देखिए, यहाँ से मैंने इसको भी कवरिंग कर दिया है, और ये साइड की क्रीम अच्छे से मैंने शाइनिंग दे दी है, और ऊपर देखिए कट कर दिया हल्का सा, और केक दिखा दिया था थोड़ा सा क्योंकि वो अच्छे से बराबर बैठा नहीं था केक इसलिए, और ये कार्ड से इसको भी मैंने बराबर कर दिया। तो देखिए दोस्तों, हल्का सा क्रीम कलर मैंने वनीला बेकिंग क्रीम में हल्का सा क्रीम कलर 1 drop से भी कम मैंने डाला था इसमें, इसको ऐसा कलर लाने के लिए जो लाइट कलर होता है बहुत ही अच्छे लगते हैं कलर। और ये देखिए हो गया, इसको मैंने बराबर कर दिया है कार्ड से, बहुत ही अच्छी साइन में आती है। देखिए दोस्तों, हाफ के जी ये छोटा सा देखो कितना प्यारा लग रहा है देखने पे, बट अब नीचे वाले पे भी मैं वही सेम लुक दूंगा जो बीच वाले केक के ऊपर, जो मैंने ऊपर वाले केक के ऊपर दिया है, साइड का जो नीचे का केक है वो ऐसा ही रहेगा जैसा है वाइट, बट इसमें भी वाइट पे मैं फ्लावर बनाऊँगा वो इसी के ऊपर बना देंगे, तो ये वाइट जो होता है वाइट वनीला क्रीम ये छुप जाएगी, बट ऊपर वाले में जो है क्रीम कलर ये सब दिखता रहेगा, इसलिए मैंने नीचे वाले पे नहीं लगाई थी क्रीम। यहाँ से मैंने इसको कवरिंग कर लिया है, और क्रीम थोड़ी सी चढ़ाई थी ऊपर से लगाई थी वो भी शाइनिंग आ गई इस पर भी। अब देखो नीचे के साइड पर मैं फ्लावर बना रहा हूँ, ये डार्क क्रीम यानी कि ऑरेंज और वाइट क्रीम में मैंने पिंक और येलो कलर मैंने मिक्स करके मिलाया था हल्का सा ऐसे करके, और ऊपर थोड़ा सा कलर चेंज किया था ताकि कस्टमर को सेम ना लगे। कस्टमर ने बोला था मुझे अच्छे लुक में देना केक, तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखें, और एक बहुत ही प्यारा केक है। और यहाँ पर मैंने फ्लावर वही रोजेस तक लगाए हैं, वही नॉजल वाले जो रोज लाइट साइड में लगाए हैं वही रोजेस ऊपर भी लगा दिए हैं, और सबसे टॉप पे मैं इसको गोल्ड सिल्वर बॉल डाल दूंगा, और इसका लुक जो है बहुत ही प्यारा आता है सिल्वर बॉल का भी। ज़्यादा डिजाइनिंग करने से ज़्यादा फ्लावर बड़े लगाने से केक अच्छा नहीं लगता है, वैसे सिंपल केक बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, वीडियो को एंड तक देखने के बाद दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और जो भी आप लोग मेरे वीडियो पर नए आते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरा सपोर्ट करें दोस्तों, आप लोगों से यही उम्मीद है, और मुझे भी प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, आप लोगों का धन्यवाद।